नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। तो दोस्तों, दिल थाम कर बैठिए, इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं और अगले महीने 4 जून को लोकसभा चुनाव के रिजल्ट घोषित हो जाएंगे। चुनावी परिणाम घोषित होने से पहले ही कांग्रेस में घमासान की सुगबुगाहट जो है वो तेज हो गई है। ये चर्चा प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में हो रहे हैं। कयास तब और भी तेज हो गए जब उत्तर प्रदेश के अमेठी संसदीय क्षेत्र में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक इंटरव्यू के दौरान कांग्रेस नेता सचिन पायलट के बयान को बेवकूफी भरा बता दिया। दरअसल पायलट ने एक इंटरव्यू में कहा था कि झालौर में वैभव गहलोत के चुनाव प्रचार के लिए उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया, जिसके बाद गहलोत ने ऐसे बयान देने से बचने की सलाह दी थी। इन सब के बीच चुनावी परिणाम कांग्रेस की राजनीति पर असर डाल सकते हैं, क्योंकि जहां गहलोत बेटे की लोकसभा सीट पर प्रचार में व्यस्त थे, वहीं पायलट ने भी समर्थित नेताओं के लिए प्रचार में भरपूर जोर लगाया। उन्होंने दौसा, चोक, सवाई माधोपुर समेत कई सीटों पर जमकर धुआंधार प्रचार किया। फलौदी सट्टा बाजार के मुताबिक इन सीटों पर बीजेपी बुरी तरह फंसती भी नजर आ रही है। ऐसे में इस बार अगर इन सीटों पर कांग्रेस की जीत हो गई तो पायलट की ताकत बढ़ जाएगी। खास बात यह है कि राजस्थान के बाद भी पायलट इस लोकसभा चुनाव में 14 राज्यों में 100 से ज्यादा सभाएं कर चुके हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बाद सबसे ज्यादा डिमांड जो है वो सचिन पायलट की है। आगामी दिनों में वह पंजाब, हिमाचल और सातवें चरण के बाकी राज्यों में प्रचार करने जाएंगे। वहीं जालौर सिरोही लोकसभा सीट को लेकर फलौदी सट्टा बाजार का ये दावा है कि वो कांग्रेस के लिए परिणाम विपरीत हो सकते हैं। अगर यहाँ गहलोत के बेटे की हार होती है तो कांग्रेस में एक बड़ा तूफान आ सकता है। हालांकि सब कुछ निर्भर करेगा कि कांग्रेस के राज्य में कितनी सीटें आती है और पायलट समर्थित प्रत्याशियों के संसदीय क्षेत्र में क्या परिणाम रहता है। बता दें कि राजनीतिक एक्सपर्ट से लेकर फलौदी सट्टा बाजार का दावा है कि बीजेपी को इस बार सीटों में कटौती हो जाएगी, जिसे खुद केंद्रीय गृह मंत्री और पार्टी के दिग्गज नेता अमित शाह भी स्वीकार सकते हैं। लेकिन इससे एक कदम आगे रहते हुए कांग्रेस के नेता 7 से 10 सीटों का दावा कर रहे हैं। आपका पूरा आकलन क्या कहता है, आपका अनुमान क्या कहता है, क्या लगता है आपको कांग्रेस को कितनी सीटें मिल सकती हैं, कितनी सीटों पर भाजपा कमजोर हो सकती है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए और जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाइए।